आगामी विधानसभा चुनाव में स्थानीय संगठन और पार्टियों के मिलकर पूरे सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर पिछड़ा समाज यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता ली है। पिछड़ा समाज पार्टी यूनाइटेड के बैनर तले पार्टी के अध्यक्ष गिरधर मड़रिया ने बुधवार को एक पत्रकार वार्ता कर आगामी विधानसभा चुनाव में स्थानीय संगठन और पार्टियों से मिलकर छत्तीसगढ़ के पूरे सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई, जिसको लेकर हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि पिछड़ा समाज पार्टी का संगठन का 10 प्रदेशों में विस्तार किया जा चुका है और पिछली विधानसभा व लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व झारखंड में चुनाव लड़ा चुके हैं। इसी कड़ी में बताया कि सभी समाजों के प्रमुखों और संगठनों के साथ कई स्तर बैठक की जा चुकी है, जिसका बहुत जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही इस पार्टी के बैनर तले 7 प्रमुख एजेंडों पर कार्य करने की बातें कही। देखिए, ये पिछड़ा समाज पार्टी का गठन 6 साल पहले किया गया और पिछले चुनाव में हमने पार्टिसिपेट भी किया था, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड, महाराष्ट्र, इतने प्रदेशों में हमने किया था। हमारा एजेंडा यही है कि जो बातें हैं, मूलभूत बातें हैं, जो अत्यंत आवश्यक है, उन बातों को ये पार्टियां अपने मुद्दे पे नहीं लेती हैं। और चूंकि विकल्प नहीं है, जनता के को विकल्प की जरूरत है। आज यहाँ पर दो पार्टी, जब भाजपा भाजपा से लोग बाग आक्रोशित तो कांग्रेस को कर देते हैं, तो विकल्प नहीं होने से जनता मजबूरन भाजपा कांग्रेस से पीछे चलना उसकी मजबूरी हो जाती है। इसलिए हम क्या है, मूलभूत जो बातें हैं, जैसे किसानों को, उनको एक किसान राहत कोष के गठन की बात करते हैं हम, कि जहाँ तक चिकित्सा में हम ये चाहते हैं कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि एम्स स्टैंडर्ड का हो। एम्स हम नहीं बना सकते, स्टेट गवर्नमेंट ज्यूरिडिक्शन का मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है। तो ये सरकार जब इतने सारी मदों में खर्च करती है, तो शिक्षा और चिकित्सा में सरकार का फोकस होना चाहिए और सरकार बेहतर शिक्षा और चिकित्सा दे, ताकि यहाँ के जनता को प्राइवेट में जाके अपना आर्थिक नुकसान न कराना पड़े। ये हमारी सोच नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकी है। देखिए, बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आज बस्तर इलाके में 300 स्कूलें बंद करी थी भाजपा सरकार ने, लगभग यहाँ 6,000 स्कूलें मध्य प्रदेश से बंद करी गई। तो इसका नियत साफ है कि वो चाहते नहीं कि शिक्षा इस देश के छोटे तबके को मिले। बड़ा तबका तो कहीं पर शिक्षा ले सकता है, वो तो विदेश में भी जाकर पढ़ाई कर सकता है, जरूरत तो छोटे वर्ग को ही है। नहीं, चलिए ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी पार्टी अपना प्रचार प्रसार विस्तार करने के लिए जगह जो ज़्यादा उपयुक्त है, जैसे हमने अभी सरगुजा एरिया में लगातार काम चलता रहा हमारा। छत्तीसगढ़ में पिछले समय भी हमने बीजापुर और कोंटा तक भी हमने किया है। और एक बार पूरा संगठन बन जाने के बाद क्या है कि ज़्यादा मुखरता से बात भी किया जाए, काम किया जाए, तो चल रहा है, चालू हो जाएगा, आपको दिखेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो आप लेटर पेड देख के उसका डेट बात कर, भाई वो तो लेटर पेड जो उसको बोल दिया गया, निकाल कर लिख दिया उसने, वो कोई मैटर नहीं है। वो लेटर पेड तो अभी नियम लिखते तो आपको उस ढंग में, अभी फिर से उसको रिस्ट्रक्चर अपन कर रहे हैं। अभी जब ये रहता है कि सक्रियता जिनकी रहती है, देखो सीधी बात है, अभी कुछ लोग को हमने जब बनाते हैं तो वो कुछ लोग ज़्यादा सक्रिय होते हैं, कुछ सक्रिय नहीं हो पाते हैं। इन्हीं कारणों से, जो भी कारण रहा होगा, चाहे पारिवारिक हो, चाहे उनके सोच हो, अभी फिर से रीअपन अरेंज करें संगठन को। हमारी पार्टी अभी जो लोगों से गठबंधन करके, यहाँ पर जो और लोग स्थानीय जो पार्टियाँ हैं, स्थानीय जो संगठन हैं, उन सबके साथ मिल के ये हम पूरी 90 सीट में लड़ाई लड़ेंगे, ये निश्चित रूप से तय है। ब्रांड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।